वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज 0 टू इनफाइनाइट साइन 80 अपॉन टी इन टू ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू पाई अपॉन टू स्क्वायर वन माइनस ए रेज टू द पावर माइनस ए स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर है तो फर्स्ट फंक्शन ए रेज टू द पावर माइनस ए एक्स अपोज कर लो. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग एफ सी पी फाइंड आउट कर लो. वही 0 टू इनफाइनाइट है. पार्सेवल्स आइडेंटिटी यूज करोगे फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए. तो एफ सी पी जी सी पी फाइंड आउट करेंगे. एफ एक्स जी एक्स एंड एफ सी पी एंड जी सी पी. फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी. फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ए रेज टू द पावर माइनस ए एक्स कोमा अंडर द रूट ऑफ टू अपॉन पाई 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस एक्स कोस पी एक्स डी एक्स एक्स आएगा. ठीक है, पी वेरिएबल है, इससे थोड़ा सा देख लिया करो. पी वेरिएबल है तो इधर एक्स वेरिएबल आएगा. इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ टू अपॉन पाई इन टू कोस है तो ये कॉन्स्टेंट आएगा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. कल जनरल फॉर्मूले बताए थे तो उसके अकॉर्डिंग इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव टर्म है. पॉजिटिव होता तो फर्स्ट वाला फर्स्ट भी क्या सेकंड वाला फार्मूला जो है वो सेकंड का फर्स्ट पार्ट फार्मूला जो था उसको यहाँ पर यूज करते. नेक्स्ट जी सी पी फाइंड आउट करोगे. जी सी पी फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट जी एक्स लेट जी एक्स इक्वल टू. अब यहाँ पर ये साइन 80 अपॉन टी फॉर्म में है तो फंक्शन जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है. इसको इस फॉर्म में लोगे वन और जीरो. जीरो इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए एंड एक्स इज ग्रेटर देन ए के केस में वैल्यू जीरो. देन जी सी पी इक्वल टू फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स कोमा पी. वो इसको डिफाइन करते हो तो अंडर द रूट ऑफ टू अपॉन पाई 0 टू इनफाइनाइट जी एक्स कोस पी एक्स डी एक्स. ठीक है, लिमिट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लो 0 टू ए और ए टू इनफाइनाइट. तो ए टू इनफाइनाइट के केस में तो वैल्यू जी एक्स इक्वल टू 0 तो सेकंड टर्म 0 हो जाएगा. ओनली फर्स्ट टर्म 0 टू ए के केस में जी एक्स इक्वल टू 1. तो ये नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ टू अपॉन पाई 0 टू ए जी एक्स की जगह 1 पुट करोगे कोस पी एक्स जो है वो एज इट इज और फिर इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर दो. सो जी सी पी इक्वल टू 0 टू ए दस इंटीग्रेशन साइन पी एक्स अपॉन पी हो जाएगा. लिमिट पुट करके ये टर्म अपना जी सी पी का सॉल्यूशन आ गया. नाउ बाय पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म वी हैव 0 टू इनफाइनाइट एफ सी पी जी सी पी डी पी इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एफ एक्स जी एक्स डी एक्स. वैल्यू पुट कर दो अंडर इनकी एफ सी पी जी सी पी दोनों तो ये हो जाएगा 2 अपॉन पाई और एफ सी पी में था अपना ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. जी सी पी में टर्म है साइन ए पी अपॉन पी डी पी इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एफ एक्स जी एक्स एफ एक्स ई रेज टू द पावर माइनस ए एक्स जी एक्स एच इट एच डी एक्स. ठीक है, 0 टू इनफाइनाइट है, इसको भी टू पार्ट्स में कन्वर्ट कर लो 0 टू ए और ए टू इनफाइनाइट. उसके अकॉर्डिंग जी एक्स फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे. ठीक है, और इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा साइन ए पी अपॉन पी इन टू ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. ए कॉन्स्टेंट है उसको बाहर ले लो. तो यही जो अपना लेफ्ट हैंड साइड था साइन ए टी अपॉन टी इन टू ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर. पी को टी से चेंज करोगे तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म आ रही थी वो अपना डेराइव हो रहा है यहाँ पर. थोड़ा सा फंक्शन ध्यान रखना है कि एफ एक्स जी एक्स किस फॉर्म में लेना है यहाँ पर. ओके,
कैसे उसको सॉल्व करना। ठीक है जी, एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दिया, 0 टू 1 के केस में। ये लेफ्ट हैंड साइड है, चिटेज रहने दो। साइन ए पी अपॉन पी इंटू ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर डी पी इक्वल टू पाई अपॉन 2a। इस 2a अपॉन पाई को इधर शिफ्ट कर दो, इंटीग्रेशन करो। 0 टू a इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 2a स्क्वायर, और x के स्पेस पे ये पुट करो तो e रेज टू द पावर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1। 0 से ये 1 हो जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों पुट कर दिए। माइनस को अंदर ले लो, पाई अपॉन 2a स्क्वायर 1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस a स्क्वायर, और p को t वेरिएबल से चेंज कर दो। साइन ए टी अपॉन टी इंटू ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू दिस टर्म। तो ये अपना सेकंड पार्ट में प्रूव करना था। तो इस तरह से पार्सेवल्स आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस में हमें फंक्शन एफ एक्स जी एक्स गिवन होते हैं, कुछ में जिसमें नहीं गिवन हो उसमें फंक्शन सपोज करते हुए 0 टू इनफाइनाइट एफ सी पी डी पी इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एफ एक्स जी एक्स इसको यूज में लेते हुए और उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1 mod x is less than a and mod x is greater than a value 0. Hence prove that 0 to infinite sin square ax upon x square dx equal to pi a upon 2. ये important part है, short question में भी पूछ लेते हैं कई बार और वैसे भी। अब ये mod x is less than a है, mod x is less than a, इसका mod का मीन्स क्या होता है कि इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज हैं, एक्स इज लेस देन ए और माइनस एक्स इज लेस देन ए। माइनस एक्स इज लेस देन ए मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन माइनस ए। इन दोनों को एक साथ माइनस ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए, तो इस केस में तो फंक्शन की वैल्यू 1 हो गई और बाकी सभी कंडीशंस के अकॉर्डिंग वैल्यू 0, अदरवाइज इसमें तो 0 हो गई, 0 नहीं ये 1 है यहाँ पर 1, और अदरवाइज वैल्यू 0। तो ये इस तरह से फंक्शन जो है वो एफ एक्स मोड गिवन है तो इसके अकॉर्डिंग इसको डिस्क्राइब कर सकते हो कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 होगा इफ माइनस ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए, और इसके अलावा एक्स की जो भी कंडीशंस होंगी उन सब पर वैल्यू 0 होगी। मीन्स माइनस ए से छोटी वैल्यूज और ए से ग्रेटर देन वैल्यूज। क्यों? माइनस ए टू ए के बीच में तो 1 हो गई, और माइनस ए से छोटी वैल्यूज और ए से ग्रेटर देन वैल्यूज उन सभी पर वैल्यू 0 होगी। तो लिमिट्स को कन्वर्ट करना आना चाहिए, इसमें लिमिट अभी डेफिनेशन यूज करोगे फूरियर ट्रांसफॉर्म की और फिर लिमिट को कन्वर्ट करोगे 3 पार्ट्स में। ठीक है करो फाइंड फूरियर, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स फाइंड आउट करना है। फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी, तो ये तो इजीली डिफाइन कर सकते हो सभी। 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर आयोटा पी एक्स एफ एक्स डी एक्स। अब ये लिमिट है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, देखो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे 3 पार्ट्स में। माइनस इनफाइनाइट टू माइनस ए, माइनस ए टू ए और ए टू इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस ए, माइनस ए टू ए और ए टू इनफाइनाइट। इनको एज इट इज रहने दो। ई रेस टू द पावर आयोटा पी एक्स एफ एक्स डी एक्स, ई रेस टू द पावर आयोटा पी एक्स एफ एक्स डी एक्स, ई रेस टू द पावर आयोटा पी एक्स
एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इन लिमिट्स के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू, तो माइनस ए टू ए के केस में तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू वन होगा, और इन दोनों के केस में वैल्यू फंक्शन की जीरो होगी। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे डिफाइन किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, तो ओनली अपने पास ये टर्म आएगी, तो इसमें एफ एक्स की जगह वन पुट कर दो और इंटीग्रेशन करके इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, वैल्यू वन पुट कर दिया और इसको इंटीग्रेट कर लिया, इजी इंटीग्रेशन, सिंपल है। अपर लिमिट पुट कर दिया माइनस लोअर लिमिट एक्स के स्पेस में माइनस ए, आयोटा पी जो है वो एच एट एच है, वन अपॉन अंडर रूट टू पाई, टू से इंटू कर लो और टू से डिवाइड कर दिया, नेक्स्ट स्टेप में कर लेना। तो यहाँ से टू तो एच एट एच रख लो, इस टू को तो एच एट एच रख लो, और ये फॉर्मूला बन गया ई रेस टू द पावर आयोटा पी ए माइनस ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा पी ए अपॉन टू आयोटा साइन, आयोटा एक्स होता है, एक्स के स्पेस पे पी ए है, ठीक है, और अपॉन पी जो है वो एच एट एच रहने दो। तो ये वैल्यू हो गई टू साइन ए पी अपॉन अंडर रूट टू पाई इंटू पी। ठीक है, वन अपॉन अंडर रूट टू पाई को तो ऐसे अलग से ही रहने दो, ठीक है, अंडर रूट टू पाई, और ये साइन पी ए अपॉन पी, पी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो एफ एक्स के अकॉर्डिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू ये हो गया। तो फर्स्ट पार्ट जो था वो यही पूछा था कि फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ गई। तो इसमें यही था लिमिट्स को कन्वर्ट करना, तो मोड एक्स है तो उसको सॉल्व करके वैल्यू देख लो क्या क्या हो गया, लिमिट्स को थ्री पार्ट में कन्वर्ट करके और इसको सॉल्व कर लो। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट ये है अपना, अब इसके सॉल्यूशन के लिए देखो पार्सेवल्स आइडेंटिटी का जो सेकंड पार्ट था उसको यूज लो, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट मोड ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट मोड ऑफ एफ पी स्क्वायर डी पी एफ पी। ये तो हो गया, यहाँ से ये एफ पी की वैल्यू आ गई, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ पी, तो एफ पी जो है वो तो नेक्स्ट इक्वेशन मार्क कर लो इसको, फर्स्ट ये है। और एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, तो वही x की लिमिट माइनस ए टू ए के अकॉर्डिंग एफ एक्स वन होगा, और बाकी दोनों केसेज में वही थ्री पार्ट्स में कन्वर्ट होंगी इसमें लिमिट, तो फर्स्ट और लास्ट जीरो हो जाएगी, और सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग माइनस ए टू ए वन स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ पी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो ये हो जाएगा वन अपॉन टू पाई फोर साइन स्क्वायर पी ए अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें पी को एक्स से चेंज करते हो, पी को एक्स से चेंज करते हो तो साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और अपना जो लेफ्ट हैंड साइड है ये देखो साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, मीन्स अपना ये टर्म आज आ रहा है, इसलिए इसको यूज करते हुए और वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, डी पी एच इट इज रहने दो, इसको ले लो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साइन स्क्वायर पी ए अपॉन पी स्क्वायर डी पी इक्वल टू, ये देखो टू टू जा फोर, टू टू अपॉन पाई होगा तो ये इधर पाई अपॉन टू माइनस ए टू ए डी एक्स। ठीक है, इस टर्म को इधर रख लिया और ये हो गया, अब सिंपल इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, ये हो गया, अब इधर से ये देखो ये इवन फंक्शन है, साइन स्क्वायर पी ए अपॉन पी स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन, इवन फंक्शन है तो इसके अकॉर्डिंग माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट किस में चेंज हो जाएगा, ट्वाइस जीरो टू इनफाइनाइट साइन स्क्वायर पी ए अपॉन पी स्क्वायर, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें जीरो टू इनफाइनाइट आ रहा है, तो ये इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, टू को इधर ले जाओ तो ये पार्ट अपना जो है वो ट्रू हो जाता है, जीरो टू इनफाइनाइट साइन स्क्वायर पी ए अपॉन पी स्क्वायर
डी पी इक्वल टू पाई ए अपॉन टू, और इसको भी चेंज कर लो, पी को एक्स से चेंज कर दो, ये हो जाएगा जीरो टू इनफाइनाइट साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू पाई ए अपॉन टू। तो ये इसका जो डिडक्शन पार्ट था वो प्रूव हो गया।